अगर कोई स्टेट क्राइम अगेंस्ट स्टेट है तो कोई लिख सकता कि हम कार्रवाई नहीं करते? सर उसने लिखा, हम दोबारा तो क्या कार्रवाई है, क्या क्या किसी डॉक्टर ने कोई दवाई तो किसी रजिस्टर में चढ़ाया, कोई डीडीआर काटी? बिल्कुल समानांतर थाना चला रहे हैं आप, बिल्कुल समानांतर प्राइवेट थाना। ये तो सर रात रूट किंग के आई होंगे। अरे ये इतनी बड़ी दरखास्त है, ये बड़ी, ये बड़ी समझौता चढ़ाया कहीं पे भाई? ऐसे कैसे हो गए समझौता? कोई डीडीआर काटी आपने? या आप मुझे बताइए, आपके हर टेबल से लोगों की दरखास्तें मिल रही हैं सर? हाँ उसमें है ना परिवार पर चार बच्चे। कल की चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग का एजेंडा आया है, ठीक है, तो वो पॉइंट तैयार करवा उसके भी है। आ रहा हूँ, जूम उठा, मनु आ रहा है यार, आ रहे हैं, आ रहे हैं, जूम करो। देखिए इस थाने में सारी अनियमितताएं मिली, लोगों की दरखास्तें अलग अलग अलमारियों में लंबे समय से पड़ी हुई मिली हैं, जिनको किसी रजिस्टर में इंदराज नहीं किया गया, ना डीडीआर काटी गई है, ना एफआईआर काटी गई है। एक अलमीरा में, लकड़ की अलमीरा में दो कार्बाइन और एक पिस्टल रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर एंड लोडेड कार्बाइन वहाँ पड़ी है, जबकि नियम के अनुसार कोर्ट में से हथियार जाता है और आकर कोर्ट में जमा कराना होता है। वो हथियार किन के हैं भाई? नहीं नहीं इस यहाँ रखे किसने? ये तो इस मुंशी के पास मुंशी रखे। नहीं कोई आगे रख के क्या होगा ना, अपने चार देखे मुंशी पता किसने रखे हैं? जमा करेगा माल खाने भाई। ये किसकी कार्बाइन थी, किसके थे हथियार? हाँ नाम क्या है, नाम बताओ। ये यहाँ आप कौन रख के गया था? दोनों के नाम बता, नाम बता दे, तीनों के बता दे, बता दे किस किस के नाम ये लॉट हुई हुई थी, रजिस्टर दिखाओ। तुमने लॉट करी होंगी किसी को तो करी होंगी ना, जब ऐसे ही पकड़ा देते हो ले दो भाई, है किसी को तो लॉट की होंगी ना, कौन रख के गया यहाँ पे? उन तीनों आदमी को सस्पेंड किया जाता जी, जो भी तीन आदमी हैं ये पता करो, ये पता एसपी साहब को बताओ, तीनों आदमी ठीक है ना जी? ये तो ग्रॉस मिस वो है, पूरी तरह से एक समानांतर थाना यहाँ पर चलाया जा रहा है, एक सरकार का और एक यहाँ के एसएचओ का थाना है, कि जो इनके लेवल पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। अनेकों दस्तावेज हमें मिले, हमने ले लिया अपने कब्जे में, जिनकी कार्रवाई नहीं की है, बहुत सारी एफआईआर की कॉपीज भी मिली हैं, वो भी हमने अपने रिकॉर्ड में लिए हैं, जो कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था उनको देनी चाहिए थी, उनको नहीं दी गई है, जो यहाँ पर पड़ी हुई है। और टोटल कितने सस्पेंड किए? एक एसएचओ नरेश चंद्र, एक मुंशी, क्या नाम है मुंशी का? वरिंदर, एक हेड कांस्टेबल और तीन आदमी वो जिनके हथियार हैं जी। अब वो ये इन्वेस्टिगेशन में हंडा साहब बताएंगे कि किस किस के हथियार थे। हथियार हमने एसपी साहब को हैंडओवर कर दिए कि ये हथियार यहाँ पर अनअटेंडेड पड़े हुए हैं और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी
अंदर थाने में आके हथियार उठा के कोई कार्रवाई कर सकता है, तो वो हमने एसपी साहब को दे दिए हैं। एसपी साहब उनका फाइंड आउट करेंगे कि ये किस किस के हथियार थे, कौन कौन रख के किया था, और उनके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो तो करेंगे ही, लेकिन सस्पेंड में अभी कर। एक सर जनाब, आप ये चीज़ें फाइंड आउट करते हो, लेकिन इनकी सुविधाओं की तरफ भी आपको ध्यान, क्योंकि थानों में स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है, आज भी दस्ते मंगवाए जाते हैं, टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट भी मैंने देखे हैं सारे ठीक है। कोई नहीं, इसमें वैसे आपको शिकायत नहीं यहाँ काम नहीं है, खाली की बात है, एक ही दरखास्त की। अरे वहाँ कौन सी अलमारी में कागज नहीं मिले, अलमारी साफ कर दिया सारा? नहीं सर, जब तक मैं उधर लगा रहा तुमने इधर साफ कर दिया, मतलब जनाब के पास कर जाएगी, ये हो ही नहीं सकता, बिल्कुल खाली ये तो हो ही नहीं सकता। इसका बताओ भी लिखो सबका, ये क्या फोटो खींच भी इसके देवेंद्र, इसके भी इसमें लिख दिया जी, अभी हम कार्रवाई नहीं चाहते, नेगलिजेंस के बारे में कोई नहीं जानता। नहीं, अगर कोई स्टेट क्राइम अगेंस्ट स्टेट है तो कोई लिख सकता कि हम कार्रवाई नहीं चाहते? सर उसने लिखा, हम दोबारा तो क्या कार्रवाई है, क्या क्या किसी डॉक्टर ने कोई दवाई तो नहीं किसी रजिस्टर में चढ़ाया, कोई डीडीआर काटी? बिल्कुल समानांतर थाना चला रहे हैं आप, बिल्कुल समानांतर प्राइवेट थाना। ये तो सर रात रूट किन के है, अरे ये इतनी बड़ी दरखास्त है, ये बड़ी, ये बड़ी इस पर समझौता हो रही है, क्या कार्रवाई हुई? समझौता हो रही है, समझौता चढ़ाया कहीं पे भाई, ऐसे कैसे हो गया समझौता? कोई डीडीआर काटी आप मुझे बताइए, आपके हर टेबल से लोगों की दरखास्तें मिल रही हैं और आप सबका ये कह रहे हो कि मैंने राजीनामा हो गया, तो भाई कर दिया राजीनामा, मुझे कोई इतराज नहीं है, पर आपने कोई डीडीआर काटी, कोई एफआईआर काटी, कोई मेडिकल करवाया,
या ले दे के हो गया। ये तो उसी दिन के होगा, उसी दिन लिख दिया ना, ये तो बोलदार ना अपने भाई। फिर क्या हो गया, 12-8 का बताओ ना, पर्चा दर्ज हुआ हुआ। अब 12 मुझे रजिस्टर में दिखाओ ना, मुझे कागज ये रख भाई, फोटो खींच इसके, सारे कागजों के खींचो अलग अलग से। गदर मचा रखा है यार तुमने तो। एक तो कर एस एच ओ को सस्पेंड, ठीक है, और कंप्लीट नेग्लिजेंस एंड रनिंग ए प्राइवेट थाना इन पुलिस लाइन, इन पुलिस स्टेशन सिविल लाइन। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर लाइंग पेंडिंग विदाउट रजिस्टरिंग एनी FIR और DDR, ठीक है। टू मशीन गन्स, मशीन गन थी क्या, कार्बाइन, टू कार्बाइंस लोडेड एंड वन पिस्टल वर फाउंड लाइंग इन एन अलमीरा डिफाइंग द कोड ऑफ द आर्म्स कीपिंग। और बता, एक वो मुंशी का था जिसका नहीं मिला, सारों की बता नाम, जो जो रह गए सारों को सस्पेंड कर। सर पहली बात तो मेरी, सर मेरी मुंशी ने जो मुंशी के पास मिली, मेरी कोई ना मुंशी के साथ मिलना था। थाना तेरा, हाँ सर मैं जा रहा था ड्यूटी, हथियार तेरे का ड्यूटी पर आए थे सर, उनके भीतर में मुंशी पर लिख के देता रही हूँ। सर देखो हमने कर दिया कुछ, तो मुझे बता आइयो कौन कौन सा जो जो पकड़े गए अंदर, सारे बताओ भी आइयो कौन कौन से थे, वो क्या क्या नाम है उनके आइयो के। मुंशी
ऐसा मुंशी की लापरवाही मुंशी का सस्पेंड हो देख लो सर और है सॉरी सर बनता तो मुंशी का सर एमएचसी देखो सर नहीं एक और का एक इन्वेस्टिगेशन आयु कितना था भाई साहब मैं एमएचसी टाइप और वीरेंद्र वीरेंद्र अल्पसमय से उसको सस्पेंड है वीरेंद्र क्या है कैमरा कौन सा अच्छी है जी मुंशी है और तू क्या हेड कांस्टेबल है एक हेड कांस्टेबल एक वो छोले वाले को लेने गया राजेश राजेश हाँ जी कुछ बताओ सर जी हाँ आगे हो जाओ छोले भटूरे वाला है मेरे को